तो हमने लिया टिकट और अब हम चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं अंदर का नज़ारा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं हुमायूं का मकबरा। आई डोंट से हुमायूं टॉम्ब बिकॉज आई कैन स्पीक हिंदी, तो मैं हिंदी हूँ तो मैं हिंदी बोलूँगा। अब आज हम आए हैं हुमायूं का मकबरा और आज आपको एक्सप्लोर कराते हैं हुमायूं का मकबरा। तो एंट्री कर लिए एंड आपको दिखाते हैं इसके चारों तरफ जो गार्डन है उसके बारे में, एंट्री करते ही आपको। तो फाइनली वी रीच हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि हुमायूं जो था उसके मरने के बाद ये मकबरा बना, और ये जो मकबरा बनवाया है ये उसकी वाइफ ने बनवाया है, ठीक है। और ये अकबर के दौर में बना था, सन 1559 से 1600-70 के बीच। तो दोस्तों, जैसे ही अंदर आएंगे आपको मिलेगा देखने को अरब सराय गेट। अरब सराय गेट होता था भारत के जो लोग आते थे उनके ठहरने की जगह होती थी। अरब सराय गेट, सराय उसे ही बोलते हैं जो बाहर के लोग आके जहाँ ठहरा करते थे। सो गाइस, इस मकबरे के अंदर आपको 150 से ज़्यादा कब्रें मिलेंगी जो कि हुमायूं, जो मुग़ल शासन के जो मुग़ल थे उनकी और उनके रिश्तेदारों की, जो उनके सैनिक हुआ करते थे, उन सब की यहाँ पर आपको कब्रें मिलेंगी। तो चलते हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर और आपको बता। ये कुछ बुक्स हैं, लाइब्रेरी है छोटी सी। तो फाइनली हम आ गए हैं हुमायूं के टॉम के बिल्कुल सामने और यहाँ उनके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि उनका जो ये मकबरा था वो किसने बनवाया था, और इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएंगी। तो फाइनली गाइस, ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो मकबरा था इसको ही देखकर लास्ट में ताजमहल को बनवाया गया। ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है वो इससे मिलकर जुलता है, हुमायूं को मकबरे को देखकर बनवाया था। एंड गाइस, और जो इसे बनवाया था वो हुमायूं बादशाह की जो वाइफ थी, हुमायूं के मरने के बाद, मतलब उनकी डेथ के बाद जो उनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम, उन्होंने इस मकबरे को बनवाया था। और ये पर्शियन आर्किटेक्चर का एक नमूना है और भारतीय आर्किटेक्चर का भी। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़। तो गाइस, कितना खूबसूरत फाउंटेन है, कितना खूबसूरत इसको बनवाया गया है हमीदा बानो के द्वारा। और देखिए, यहाँ पे पानी आने जाने का भी प्रयोग किया गया है, मतलब उसका इस्तेमाल किया गया है नाली के द्वारा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बाग हैं, मतलब गार्डन्स हैं। और कुरान शरीफ में जिक्र है कि जन्नत में इस तरीके के बागात होंगे, तो उसी वे पे इसकी तामीर की गई, मतलब हमीदा बानो ने उसी वे पे इसे बनवाया था। और ये मात्र हिंदुस्तान का पहला ऐसा मकबरा था उस दौर का जिसके चारों तरफ आपको गार्डन्स मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इसकी जो कुरान से पंक्तियाँ ली गई थी कि जन्नत के बागात जहाँ नहरें बहती हैं और बाग होते हैं, उसी से रिलेटेड हमीदा बानो ने इसकी तामीर कराई थी। हाँ, तो गाइस, कहानी जैसे मैंने अभी आपको बताई कि ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा मकबरा है जिसके चारों तरफ गार्डन्स हैं। तो ये गार्डन्स जो थे उस टाइम पे, जो बादशाह के टाइम पे, मतलब हुमायूं के मरने के बाद जो हमीदा बानो ने इसे बनवाया था, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि इसकी स्थिति सही तरीके से इसकी देखभाल कर सके। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी पेड़ वगैरह उग गए। तो उसके बाद जब मतलब लोगों ने ना इसके चारों तरफ खेती करना चालू कर दी थी, मतलब ये खेत बन गए थे, लोगों ने खेती चालू कर दी थी यहाँ पर, अपनी जो फसलें उगाते थे। मतलब कैसा लगता होगा यार कि मकबरे की ये रहा हमारे पीछे जस्ट मकबरा, एंड इसके बिल्कुल जस्ट बगल में जो लोग हुआ करते थे उस समय में, सन 1818वीं शताब्दी के लोग जो थे वो यहाँ पर सब्जियाँ उगाया करते थे इस मकबरे के नीचे। तो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल नीचे, और ये कुछ कक्ष बने हुए हैं मेरे राइट साइड भी, देखिए आप, और मेरे लेफ्ट साइड भी यहाँ पर आपको कक्ष देखने को मिलेंगे। सामने चलते हैं, देखिए आपको कब्र मौजूद मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुमायूं के मकबरे में, मतलब हुमायूं टॉम में 150 से अधिक कब्रें हैं और ये डैमेज हो गई हैं, काफ़ी पुरानी हो गई हैं, इसलिए आपको इसी स्थिति में दिख रही हैं यहाँ पर। और आगे चलते रहेंगे तो आगे भी आपको कब्रें मौजूद मिलेंगी। ये कब्रें किन की हैं ये नहीं पता, पर जो कब्रें हैं वो उसी दौरान जो यहाँ पर लोग हुआ करते थे उन्हीं की ये कब्रें मौजूद। एक चीज़ और गाइस, जहाँ जहाँ यहाँ ग्रेव्स हैं, कब्रें हैं, वहाँ पर इस तरीके से लाल पत्थर से उनका जो रास्ता है वो बनाया गया है। आप जहाँ भी देखिए, इधर तो कब्र नहीं है, आगे देखिए जहाँ जहाँ ये कब्रें मौजूद मिलेंगी आपको, वहाँ इस तरीके से लाल पत्थर से उसको बनाया गया है जहाँ कब्र। तो कितना बड़ा और विशाल गेट है, उस समय का ही होगा शायद ये। एंड ये जो सीढ़ियाँ जो हैं, जो यहाँ की स्टेयर्स है, वो काफ़ी खड़ी हैं, अगर कोई गिरा तो उसका सर ही फटेगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कब्रें बहुत हैं यहाँ पर, 150 से ज़्यादा कब्रें हैं। और किन की कब्रें हैं ये यहाँ पर नाम मेंशन नहीं दिया गया, बस एक कब्र आपको ध्यान, एक दो कब्रें हैं जो आपको दिखाई जाएंगी जिनके नाम चिन्हित हैं, जो कि जैसे कि हुमायूं की कब्र और उनकी जो वाइफ है उनकी कब्र, और ये किसी बच्चे की कब्र है जो कि बहुत छोटा हुआ करता होगा उस समय में। तो ये रही एक, देखिए, एंड उसके सामने भी ये पांच कब्रें हैं,
और धीरे धीरे आपको और भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस अभी हम हैं बिल्कुल हुमायूं के मकबरे के अंदर वाले हिस्से में, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर तीन कब्रें हैं और इनका नाम नहीं दिया गया। और आगे चलते हैं और देखते हैं। तो इधर की तरफ आएंगे, यहाँ भी आपको कब्रें ही मिलेंगी, कब्रें ही मौजूद है। यहाँ पर इस जगह पर दो कब्रें हैं और ये किन की कब्र है ये भी यहाँ पर इसमें नाम मेंशन नहीं किया गया है, बट जिनकी भी है ये उसी दौरान की है, उसी वक्त की है जब मुगल हुआ करते थे। और बादशाह हुमायूं के मरने के बाद जब ये मकबरा हमीदा बानो ने बनवाया तो उसी वक्त की ये कब्रें मौजूद है। और अब चलते हैं इधर की तरफ, इधर जिसकी कब्र है उसी के लिए मकबरा बनवाया गया था। तो अभी जो हम बिल्कुल जस्ट जो पास में खड़े हैं, जिसकी कब्र है ये है बादशाह हुमायूं की, जो ग्रेव है, जो कब्र है उनकी, वो यहाँ मौजूद है। और थोड़ा पास से और करीब से इसको देखेंगे। तो फाइनली जैसे गाइस आप देख रहे हैं अपने सामने, ये है बादशाह हुमायूं की कब्र, उनकी ग्रेव, और इसके ऊपर एक मशाल है जो कि उस वक्त में जला करती थी। और ये जो फर्श है इसको पूरा, मतलब बाकी कब्रों के मुकाबले इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको डेकोरेशन की गई है, इसको दिखाया गया, इसको पेश किया गया, क्योंकि ये बादशाह की कब्र है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बादशाह जो थे, बादशाह हुमायूं, जो उनकी वाइफ द्वारा उनको उनका मकबरा बनवाया गया था, उनका टॉम बनवाया गया था, और जो उनकी जो जिस्म था, उनकी जो कब्र है, वो दो जगह मौजूद है, मतलब उनको दो जगह दफन किया गया था, ऐसा कहा जाता है। बट इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके चारों तरफ कब्रें मौजूद है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको कब्रें मौजूद मिलेंगी। इस मकबरे के अंदर, इस टॉम के अंदर 150 से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, जो कि बादशाह और उनके जो गुलाम हुआ करते थे और उस समय के जो सिपाही हुआ करते थे और उनके रिश्तेदार रिलेटिव जो थे, उन सबकी कब्रें यहाँ मौजूद है। जहाँ भी जाएंगे, इधर जाएंगे यहाँ भी आपको कब्रें मौजूद मिलेंगी, और उधर की तरफ जाएंगे वो भी वहाँ भी आपको कब्रें मौजूद मिलेंगी। तो गाइस यहाँ दो कब्रें मौजूद हैं और ये जो कब्रें हैं ये हुमायूं की वाइफ की कब्रें हैं, मतलब एक जिन्होंने मकबरा बनवाया हमीदा बानो, और दूसरी उनकी जो वाइफ थी वो नाम पता नहीं। तो गाइस ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो बहुत बदकिस्मत बादशाह था, मतलब हुमायूं ने ज़्यादा राज नहीं किया इस इंडिया पर, मतलब भारत पर ज़्यादा राज नहीं कर पाया। और तो गाइस अभी हमें हुमायूं के मकबरे के बैक साइड में, और जैसे मैंने आपको बताया ये एक बदनसीब बादशाह कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान पे ज़्यादा राज नहीं कर पाए, और मतलब बहुत कम समय तक राज किया बादशाह हुमायूं ने हिंदुस्तान पर। और क्योंकि जितना राज किया फिर उसके बाद शेरशाह सूरी का शासन आ गया, उन्होंने शेरशाह सूरी ने हरा दिया, फिर इन्हें यहाँ से भागना पड़ा, फिर दोबारा ये आए तो थोड़ी देर राज करा थोड़ी टाइम तक, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो अभी हम खड़े हैं नाई के मकबरे के बिल्कुल सीढ़ियों के पास। जी हाँ दोस्तों, ये है नाई का मकबरा, और जो नाई हुआ करते थे उनका भी मकबरा होता है यार, मतलब बनवाया होगा हमीदा बानो ने। अब चलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर दो कब्रें हैं नाई के मकबरे के अंदर, एक तो आदमी की कब्र है, एक औरत की कब्र है, मतलब मैन और वुमेन। और ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं ये आदमी की कब्र है, मतलब मैन की है, और मेरा राइट साइड देखेंगे तो ये कब्र वुमेन की है, मतलब ये दोनों नाई हुआ करते थे और उस दौरान नाइयों का भी मकबरा बनवाया जाता था, तो कितने डाउन टू अर्थ थे ये लोग। तो गाइज ये जो मकबरा है पीछे हुमायूं का मकबरा, ये मुगल सल्तनत का अंत यहीं से हुआ था गाइज, आपको बता दूं। तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो हुमायूं का मकबरा 1570 में बना था और मुगल सल्तनत का जो खात्मा हुआ, जो एंड हुआ, वो हुआ 1800 कुछ में, 250 साल बाद उसके। पर जो लास्ट जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वो यहीं आके छुपे थे अंग्रेजों से, इसी मकबरे के अंदर हुमायूं टॉम के अंदर यहीं पर आके छुपे थे अपनी तीन वाइफ के साथ, मतलब तीन बीवियों के साथ। और उसके बाद उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था, यहीं से पकड़ा था, और फिर उसके बाद उनको लाल किले में कैद कर लिया गया। तो गाइस एक ये जगह है इसके बैक साइड, और ये बहुत नीचे हो चुकी है, मतलब धस चुकी है, नीचे की जगह है गार्डन की, और मकबरा ऊपर है, और अब ये पूरा दलदल बन चुका है, पूरी झील बन चुकी है। अगर आप करीब से दिखाऊँ तो पूरी काई है, कोई गिर गया तो बच भी नहीं पाएगा इस जगह पर। तो गाइज हुमायूं की जो मौत हुई थी वो पुराने किले में हुई थी सीढ़ियों से गिरने की वजह से, फिर उन्हें पुराने किले में ही दफना दिया गया। देन उसके बाद उन्हें पंजाब के सिरहिंद ले गए, क्योंकि उन्हें डर था जो बादशाह खेमू सिंह था, जिन्होंने आगरा में मुगल सेनापति को पराजित किया था, हराया था, तो उन्हें डर लगा था कि यार कहीं ये इनकी कब्र को, मतलब इनकी कब्र को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं इनकी कब्र को कोई नुकसान पहुंचे, फिर वो पंजाब ले गए। देन उसके बाद
उनकी जो वाइफ थी बादशाह हुमायूं की, उनकी वाइफ ने यहाँ पर एक किला बनवाया जो कि हुमायूं का मकबरा कहा जाता है। मकबरा हुमायूं, तो हाँ दोस्तों इसको जो बनवाया गया था वो अकबर के आदेश से बनवाया गया था, क्योंकि उस दौरान जो राजा थे वो अकबर थे। और इसका जो आर्किटेक्चर मतलब इसकी बनावट किस तरीके से बनाया गया है, इसको जो चुना था, पसंद किया गया था, वो उनकी वाइफ हमीदा बानो द्वारा था। और इसको जो डिज़ाइन किया गया था मतलब इसको बनाया गया था, वो मिराक मिर्ज़ा गयासुद्दीन ने बनाया था, जो कि एक पर्शियन आर्किटेक्चर थे। और इसको जो बादशाह के मृत्यु के 9 साल बाद इसे बनवाया मतलब बनाना स्टार्ट किया था 1565 में, और 1572 में लगभग ये बन के तैयार हो चुका था। और उस दौरान 15 लाख रुपए इसको बनाने में इसकी लागत लगी थी। तो ये जो किला आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसका प्रयोग किया जाता था पानी के लिए। तो हाँ दोस्तों, ज़्यादातर जो मुग़लों की जो किले हुआ करते थे, उनके जो मकबरे हुआ करते थे, वो मोस्टली मतलब सारे ही किले यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बनाए जाते थे। तो यहाँ से पानी छोड़ा जाता था, जो कि पूरे गार्डन्स में, जो बगीचों में जो पानी आया करता था वो यहाँ से आया करता था, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। और अभी ये अंदर का इसका गेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो ये देखा आपने, अब हम जा रहे हैं घर पे, अब हम निकलते हैं घर की तरफ। जितना हो सका हमने कवर करा, अच्छा लगे लाइक करना, बुरा लगे डिसलाइक कर देना, क्योंकि शो नहीं होता, कोई बात नहीं, रिपोर्ट मत करना, कहीं अकाउंट बंद करवा दो। और शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट में बताना गलतियाँ जो जो है मेरे को, ठीक है गाइज़।